जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो शाम को चाय के साथ गरम गरम समोसे मिल जाए तो फिर क्या कहें। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं समोसे। इसके लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा समोसे का आटा। यहाँ लिया 200 ग्राम मैदा, इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अजवाइन या आधा चम्मच के करीब नमक टेस्ट के अनुसार, और इसमें ढेर सारा डालेंगे तेल या देसी घी और इसको मैश करेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है 1.5 से 2 मिनट तक। मैदे का कलर भी चेंज हो जाएगा और ये मुट्ठी में बंधने भी लगेगा। अजवाइन का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, इसको आप ऐसे करके मिक्स करें दोनों हाथों से। इसमें हम पता कैसे लगाएंगे कि ये खस्ता कितनी है, इसके लिए हम ये देखिए कि जब आटा ऐसे मैदा ऐसे बंधने लगे तो समझ लीजिए कि खस्ता हमारा बहुत अच्छा है। अब इसको हमें गूंदना है, इसके लिए हम लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी को ऐड करेंगे और इसको चलाते रहेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बहुत सख्त आटा गूंदना है। जितना आपका आटा कड़ा होगा उतने अच्छे आपके समोसे बनेंगे, आटा ढीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आटे को हमने खूब अच्छे से गूंद लिया है, इसको देर तक गूंदना है, डो इसका बहुत कड़ा रहेगा। ये देखिए मेरा आटा तैयार हो चुका है, इसको हम ऐसे रख के इसके ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे और ढक के इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक मेरा आटा सेट होता है हम करते हैं स्टफिंग की तैयारी। कढ़ाई में डालेंगे तेल, तेल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, हींग को हल्का सा चलाएं, इसमें डालें अदरक कटा हुआ, फिर इसको ज़रा सा चलाएं, इसमें खड़ी सौंफ आधी चम्मच और ये आधा चम्मच खड़ा कूटा धनिया। थोड़ा सा मसालों को सौटे करेंगे, डालते हैं 2 कटी हरी मिर्च, ऐड करते हैं मटर, मटर को थोड़ी देर पकाएंगे। मटर ये ऐसे ही सॉफ्ट होते हैं, धीरे धीरे इसे में पक जाते हैं। और इसमें ऐड करते हैं थोड़े से काजू, थोड़ी देर चलाएं, मिक्स करें। अब इसमें ऐड करें उबले हुए आलू, मैंने 3 आलू उबाल के मैश करके रख दिए थे, इसको थोड़ी देर भूनेंगे। आलू को अच्छे से भूनिए, इसका पूरा पानी खुश्क हो जाए। इसमें ऐड करते हैं कुछ स्पाइसी मसाले, पहले डालेंगे नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच किसी भी खटाई और ये लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और ये पिसा धनिया। सबको अच्छे से मिक्स करें, चलाएं, थोड़ा सा भूनें इसको। इसकी स्टफिंग गीली नहीं रहनी चाहिए, समोसे भरने में दिक्कत हो जाएगी। अब इस स्टेज पर डालते हैं हम हरा धनिया, मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इससे। अब स्टफिंग हो गई हमारी तैयार, अब बनाते हैं समोसे। आटा हमारा सेट हो चुका है, अब इसमें हम 1-2 पंच और लगा लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई बबल्स ना रह जाए, क्योंकि मेरा आटा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको करते हैं साइड में और इसकी छोटी छोटी बनाते हैं लोई, इतने छोटे छोटे पेड़े बना देंगे। इनको मैदे में डिप करेंगे। अब हम बेल लेते हैं पूड़ियाँ, हमें पूरी ओवल शेप में बेलनी है और बहुत पतली, ऐसे इस तरह से हमने ये देखिए पूरी बेल चुकी है, इस तरह से सारी हमने पूरी बेल ली है।
अब इसको बीच से कट करेंगे। अब इसके अंदर हम भरेंगे स्टफिंग। इसमें पानी लगाया साइड में, इसको ऐसे फोल्ड किया, ऐसे इस जोड़ को सही से अच्छे से चिपकाइएगा। अगर समोसा खुल गए तो आलू सारे तेल में फैल जाएंगे। ये ऐसे पकड़े, फिलिंग को इसमें रखें, हल्का से प्रेस करें। ये पीछे का हिस्सा से ला के मुड़े ऐसे और ऐसे चिपका दें। ये देखिए समोसा तैयार। अब इसी तरह हम सारे समोसे बना लेंगे। अब फिर उसके बाद करते हैं इनको फ्राई। इसके लिए ले एक कढ़ाई, इसमें तेल गरम किया लो फ्लेम पे। अब इसमें ऐड करेंगे समोसे, सारे समोसे आपके पास जितने भी समोसे हैं सारे समोसे ऐड कर देंगे। फ्लेम को रखेंगे लो और बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें धीमे धीमे पकने देंगे। उलट पलट के इनको बार बार 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि इनका डार्क ब्राउन कलर नहीं हो जाता। ये देखिए समोसे हमारे तल के तैयार हो चुके हैं, ब्राउन कलर के आ चुके हैं, बहुत प्यारा सा कलर आया है। अब गैस को करते हैं ऑफ और इनको निकालते हैं डिश में। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।